बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल है? आई होप कि आप ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो चलिए, जो आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ, आज मैं बनाने लगी हूँ चिकन तंदूरी पॉकेट। और जल्दी से लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करना मत भूलें। है ना, हमारा गर्म हो चुका है। इसमें 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे। ये 2 से 3 टेबल स्पून जो मैंने प्याज लिया है, इसको मैंने ऑमलेट शेप में काट लिया है। ये अब इसमें जाएगा। इसको ज़्यादा कुक नहीं करना, बिल्कुल लाइट सा कलर देना है। ये बहुत मज़े के बनते हैं, आप ज़रूर ट्राई करें। और ये झटपट तैयार होने वाली रेसिपी है, ये अपने बच्चों को लंच में भी बना के दें। अच्छा, ये मैंने 1/2 टेबल स्पून ये अदरक लहसुन का पेस्ट लिया था, ये भी इसमें ऐड होगा। ये चिकन मैंने लिया था तकरीबन, ये बोनलेस है, इसकी मैंने बिल्कुल छोटी छोटी सी बोटी कर ली थी, ये अब इसमें जाएगा। चिकन को ज़्यादा कुक नहीं करना। ये 4 टेबल स्पून दही था, ये इसमें जाएगा। हाफ टेबल स्पून इसमें नमक जाएगा। ये अब साथ ही इसमें ये कुछ मसाले जाएंगे। ये मैंने 8 टेबल स्पून मिली लिया है, 1/2 टी स्पून मैंने ये गरम मसाला लिया है, 1/2 टेबल स्पून मैंने ये कोटा ज़ीरा लिया है पिसा हुआ, 1/2 टेबल स्पून मैंने चाट मसाला लिया है और 1 पिंच मैंने फूड कलर लिया है। ये सब इसी में जाएंगे। ये इसमें मैंने इसीलिए फूड कलर डाला क्योंकि हम ये तंदूरी चिकन पॉकेट बना रहे हैं ना। मैं बस इसे 2 से 3 मिनट के लिए कुक करते हैं। अच्छा, मैं इसमें नमक और थोड़ा सा ऐड कर लूँ, आप ही नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालें। ये देखें, चिकन हमारा पक चुका है। तो बहुत मज़े की रेसिपी बनती है, बनाएं और इसका मुझे फीडबैक लाजमी दें। और जो मेरे चैनल पर न्यू हैं वो भी जल्दी से लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए अब चूल्हा बंद करते हैं। चलिए, मैं अब ये इसका बैटर तैयार करने लगी हूँ। इसके लिए मुझे 6 टेबल स्पून मैदा चाहिए। इसमें पानी डालेंगे। ये देखें, इस तरह ठीक सा बना लेना है। ये अब इसमें से 2 चम्मच निकाल लेंगे। अब ये इसमें 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर जाएगा। अच्छा, ये मैंने कुछ स्लाइस लिए थे ब्रेड के, मैंने इस तरह इसे शेप में काट लिया था। अब इसकी फिलिंग करते हैं। मैंने इसमें धनिया ऐड किया था, अगर आप ना करना चाहें तो आप भी कर सकते हैं। अब इसे इस तरह चिपका लें। ये देखें, कुछ यूं ही शेप में आएंगे।
ये देखें रेडी हो गया। अब हम इसको इस तरह कोट करेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, इसे आप डीप फ्राई करना है। अब इसकी साइड चेंज करते हैं। चलिए निकालते हैं, कितना अच्छा कलर आया। ये देखिए क्रिस्पी क्रिस्पी से बने हैं। चिकन तंदूरी पॉकेट हमारे रेडी हो चुके हैं। अगर आपको मेरी यह रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिए। अल्लाह हाफिज़।